फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी MI का Y1 मोबाइल है, उसमें आपका इंटरनेट जो है बहुत स्लो चलता है और आप बहुत परेशान रहते हैं इंटरनेट से, आपका जो कवरेज कभी कभी कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उसके वजह से आपका इंटरनेट यूज़ नहीं कर पाते, या तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है इंटरनेट के माध्यम से लेकिन आप वहाँ पर पूरा नहीं कर पाते उस काम को और आप वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो है इंटरनेट कुछ हद तक तो इम्प्रूव हो ही जाएगा और अगर आपके यहाँ पर नेटवर्क कवरेज कुछ अच्छा होगा तो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। बस आपको जो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में वही आपको करना है और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखना फ्रेंड्स, स्किप नहीं करना, नहीं तो आप नहीं समझ पाओगे। बस आपको जो मैं बताऊंगा वही करना है अपने फ़ोन में, उसके बाद आपका जो है MI का Y1 मोबाइल है उसमें आपका इंटरनेट स्पीड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, पहली बार आकर इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का मोबाइल से ट्रिक से रिलेटेड सब वीडियो लाता रहता हूँ, नेटवर्क से रिलेटेड वीडियो सब लाता रहता हूँ, तो आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने डायलर में जाना है और डायलर में आपको एक नंबर टाइप करना है, मैं नंबर आपको बताया तो स्क्रीन पर भी आपको शो कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको टाइप करना है *#*#, उसके बाद 4636, उसके बाद *#*#, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा टेस्टिंग का, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ऊपर में, ये टेस्टिंग का है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप दो सिम कार्ड लगाए हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 एंड फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 का। अगर आप एक ही सिम लगाए हो तो आपको एक ही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1। तो आप जो जिस भी नंबर में सिम लगाए हो उस पर आप नेट चला रहे हो तो उसी नंबर पर आपको टैप करना है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पर नेट चला रहा हूँ तो मैं यहाँ पर फर्स्ट पर टैप कर लूँगा। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेट प्रेफरेड नेटवर्क टाइप का, आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिए वीडियो। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को, LTE ओनली का, इस पर आपको टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर टैप करने के बाद फ्रेंड्स, अभी काम खत्म नहीं हुआ, आपको और भी कुछ करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा SMSC का, इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक बटन मिलेगा अपडेट, उसके बाद यहाँ पे मिलेगा रिफ्रेश, तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपका जो है यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, आप बैक आ सकते हैं आराम से। और उसके बाद जो है आप इंटरनेट को यूज करके देख सकते हैं, आपका इंटरनेट जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, जिस हिसाब से पहले चलता था उस हिसाब से आपको पहले से वहाँ पर जो है इंप्रूव हो जाएगा। बस आपको यही जो है ट्रिक यूज करना है और जैसे मैंने आपको बताया उसी हिसाब से आपको करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो से इतना ही, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना, तब तक ख्याल रखिए, जय हिंद, वंदे मातरम।